शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब तक आपने देखा यमुना के विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इधर अंता पंता बस्ती वालों के लिए जा रही मिठाई में कुछ मिला देते हैं। अब अकल आएगी उनके ठिकाने पे। केशव के विद्यालय में कुछ लड़के उसके खिलाफ योजना बना रहे हैं। इधर द्वारका माई में भक्त साईं से बातें कर रहे होते हैं। अब आगे मिठल, कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि चूल्हे की आग यहाँ तक फैल गई है। ये लीजिए नींबू शरबत। नींबू शरबत है? अच्छा बेटी, इधर आओ। ये लो पंखा और इनको झलते रहना। ये शादी कब शुरू होगी महालसपति जी? बस पंडित जी अभी आते होंगे। सेवा सत्कार के लिए कम से कम 10 लोग होने चाहिए थे यहाँ पे, सबको पंखा झलने के लिए। हरिओम सरकार, पधारी आई। सरकार, ये विष्णु के ताऊजी हैं। परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य यही हैं। और ताऊजी, ये हमारे गांव के मुखिया कुलकर्णी सरकार। सरकार, यही है वो ताऊजी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। इन्हें यहाँ किसी भी चीज से खुशी नहीं मिल रही है। हरिओम, आते समय मुझे जानकारी मिली कि आपको बड़ी असुविधा हो रही है यहाँ पे। यदि मुझे पता होता कि बारातियों की सेवा करने के लिए यहाँ लोगों का अभाव है तो मेरे साथ कुछ दास ले आता मैं, जो आप सब लोगों का ध्यान रखते। हरिओम। बहुत सुना था आपके बारे में, आज आपसे मुलाकात हो गई। अब पता चलेगा। क्या बताऊं सरकार, जलपान इतना बेकार था कि न निगला जा रहा था न थूका जा रहा था। भूख से बिलबिला रहा हूं मैं। एक भी इंतजाम ढंग से नहीं किया इन्होंने। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरे भतीजे की शादी ऐसी होगी। मैंने सुना है इस विवाह के पीछे साईं नाम का कोई बैरागी का हाथ है। बैरागियों के चक्कर में पड़ के रिश्ते जोड़ेंगे तो ऐसे भिखारी लोग ही मिलेंगे ना। हरिओम हरिओम मंता पंता। जी सरकार। सरकार, ताऊ जी को बहुत भूख लगी है, रसोई में जाओ, वहां खाने के लिए कुछ बना होगा तो किसी को कहो प्रबंध करे। हरिओम। जी जी सरकार। हरिओम। जी सरकार।
सुनो, दूध आ जाए तो बताना, खीर पकानी शुरू करनी है मुझे। हाँ जी। सभी को आपके हाथों की बनाई हुई खीर की प्रतीक्षा है भाईजाक का। बस खीर अच्छी बन जाए, मुझे तो घबराहट हो रही है। ये खीर बना रही अपने हाथों से, अगर ये खीर खराब हो गई तो कई हिसाब चुकता हो जाएंगे भाईजाक का से। लड्डू। हाँ, मैंने कहा था ना तुम सबसे, यमुना दीदी के विवाह में हमें मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी। मालसा पति जी और यमुना दीदी ने हमें याद रखा। चलो चलो सब खा लो मिठाई। अंता जी, आज एक साथ दो दो खुशियां मनाने का अवसर मिलेगा हमें। हाँ अंता जी, साई के दोनों भक्तों पर क्या निशाना साधा है हमने। वहिनी, क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? पता नहीं क्यों केशव को लेकर कल से बहुत चिंता हो रही है मुझे भाईजाक का। हर एक क्षण तो जैसे मेरा दिल आशंका से बैठा ही जा रहा है कि कुछ कुछ बुरा होने वाला है। डरो मत। देखो जो कल हुआ से भूल जाओ, हम तो तुमसे दोस्ती करने आए हैं। आज विद्यालय में अवकाश है, हम लोग खेलने जा रहे हैं, तुम खेलोगे हमारे साथ? ठीक है तो चलो फिर। भाईजाक का इतने में हो जाएगा ना? मुझे लगता है कम पड़ जाएंगे, थोड़ी सी और ले लीजिए। अरे सुनो, बच्चे के पेट में बहुत दर्द है, यही हाल रहा तो जीवित नहीं बचेगी। केशव, 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 उधर नहीं, इधर, इधर, केशव, इधर, केशव, केशव, इधर, केशव, उधर नहीं, इधर, पकड़ो हमें केशव।
केशव। ये तुम लोग मुझे कहाँ लेके आ गए? जंगल। लुका छुपी खेलने के लिए तो बहुत सारे पेड़ पौधे चाहिए ना, तभी तो आनंद आएगा खेलने में। हाँ, और नहीं तो क्या? क्या हुआ, डर लग रहा है? नहीं तो। तो चलो फिर खेलते हैं। चलो चलो ढूंढो हमें। आओ केशव। केशव इधर। केशव इधर। केशव इधर आओ। भाईदा का खीर बन गई क्या? हाँ हाँ बस बनी रही है। बच्ची लेके आ जा। चलो बेटा। केशव मैं यहाँ हूँ। केशव केशव पकड़ो। भाईजाक का हाँ? आपने खीर में इलायची नहीं डाली? हाँ डाली थी ना। खीर में हींग डाल दी मैंने। खंडोबा
इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? पायजा का हाँ? खीर बनी बेटी की शादी में अनर्थ हो गया मुझसे, क्या क्या करूं मैं? साई मेरे केशव की रक्षा कीजिए। कभी भी मुसीबत आए, संकट आए, तो मन से साईं को याद करना, प्रार्थना करना उनसे, भयमुक्त करेंगे वो। साईं मेरी रक्षा कीजिए, साईं मेरी रक्षा कीजिए। गलती से हींग डाल दी मैंने, दूध फट गया, खीर खराब हो गई और अब इतना समय नहीं है कि मैं दोबारा से खीर बनाऊं। कहीं ये कोई अपशकुन तो नहीं? साईं ने तो कहा था कि सब ठीक होगा, फिर इस विवाह में इतनी बाधाएं क्यों? साई का ही आसरा है।
जाइए। साई मदद करो मेरी। साई मेरी रक्षा कीजिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। साई कौन है तू, राम है या रहीम है तू, मेरे लिए तो एक है तू, एक भी तू अनेक भी तू, एक भी तू अनेक भी तू। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई आखिरी उम्मीद है। अब आप ही मेरे बेटे की जिंदगी बचा सकते हैं। सही बहुत हो गया उसका इलाज। अब मेरी सुनो, मुझे नींद नहीं आती है, इतनी रातों से सोया नहीं हूँ। आसपास के गांव के हकीम वैद्य ज्योतिषी सबको दिखा लिया मैंने,